रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित हाजी नाजिम ने कहा है कि उनसे दबंग हामिद हुसैन व बेटी आकिल हुसैन ने 51,000 रुपए की रंगदारी मांगी है। इन सभी को लेकर मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, फिर भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना ये होगा कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुए कब कार्रवाई की जाती है। नाजिम अली खान, मैं वारिस होटल का संचालक। मैं क्षेत्रीय गुंडों की वजह से यहाँ का समाज के लोग जो बहुत परेशान हैं, मुझसे भी 50,000 रुपये की डिमांड मांगी गई है हामिद हुसैन और उनके बेटे आकिल हुसैन द्वारा। रंगदारी मांगी गई है और अस्पताल ना चलने देने की धमकी दी गई है, बंद करा देने की धमकी दी गई है और अभी बराबर कंटिन्यू दे रहे हैं। हालांकि मैंने इसकी शिकायत अपने क्षेत्रीय थाने में दी है मैंने, और इनके ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ है और मुकदमा कायम होने के साथ ये अभी ऐसे ही टहल रहे हैं, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। एक जनता दल सेकुलर की ये अपने को अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन इनका करेक्टर तो समाज में रहकर के आप इंक्वायरी करा लीजिए। बाबूपुरवा, बेगमपुरवा, मुंशीपुरवा, अजीतगंज केस को एंड पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप देख लीजिए, इनके खिलाफ भी बहुत फर्जी एप्लीकेशन डाल करके लोगों को हरिस्मेंट करते हैं। और इसी खबर के